मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे एक अकाबिर उलमा में हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब नवरल्लाहुल मरकदहू के खलीफा हजरत अकदस मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब नवरल्लाहुल मरकदहू बड़े ज़बरदस्त वली कामिल थे, बड़े गुमनाम बुजुर्ग थे, अल्लाह के ज़बरदस्त वली कामिल थे जिन्होंने माई मदरसे को कायम किया। और आज भी उनके साहबजादे हजरत अकदस मौलाना रशीद अहमद साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनके इल्म अमल उमर तकवा परहेजगारी में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए, हजरत के गुलशन को आज भी वो चला रहे हैं। वो हजरत अकदस मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब नवरल्लाहुल मरकदहू ने एक मरतबा एक बात बयान फरमाई थी। क्या बयान फरमाया था हजरत अकदस ने? हजरत अकदस फरमाते थे कि एक वली कामिल थे जो अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ा करते थे। क्या शेर पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया। किसी ने पूछा, अल्लाह के वली आप क्या चीज को तलाश करते हैं और किस चीज का आपको पता मिल गया? फरमाने लगे, तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज पता मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। यानी अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचना है तो रास्ता एक ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लिया जाए।